हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा टेरेस गार्डन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं अपने गार्डन का एक छोटा सा ओवरव्यू लेके आई हूँ। और देखिए, ये मेरे जनवरी का फर्स्ट ओवरव्यू होगा साल 2024 का। और ये वीडियोस जो मैं शेयर कर रही हूँ वो मैंने शूट नहीं किए हैं, ये मेरे हस्बैंड ने शूट किए हैं। और उन्होंने इतनी खूबसूरती से वीडियो लिया है कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं मेरे फ्लावर्स। मैं इतने अच्छे से वीडियो नहीं ले पाती हूँ मैं जब ओवरव्यू बनाती हूँ तो। और देखिए, उन्होंने बहुत ही अच्छे से कवर किया है सारे व्यूज़ को। प्लांट्स की खूबसूरती भी उन्होंने कवर की है। ये देखिए, ये मेरा क्रिसेंथेमम का प्लांट है वाइट कलर का, ये जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही अपने गार्डन में ऐड किया हुआ है। बहुत ही सुंदर सा प्लांट है, ये बहुत प्यारी फ्लावरिंग इसमें आती है। बीच में येलो होता है इसके जो सेंटर में, उसके कारण से ये बहुत ही प्यारा लगता है, ये वाली वैरायटी क्रिसेंथेमम की। और यहाँ पे देखिए, मैंने 3 स्टेप्स रेडी करके रखा हुआ है। ऊपर वाले स्टेप में पिटूनिया रखे हुए हैं 5 से 6 कलर्स में। सारे पॉट फूलों से पूरे भरे हुए हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं रियल में देखने से ये और भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। और बीच वाले रो पे सारे क्रिसेंथेमम्स हैं और नीचे वाले रो में फिर से पिटूनियास हैं। और यहाँ पे देखिए, कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं, कुछ पॉली बैग में हैं। जो सीडलिंग्स मैंने की थी वो मैंने पॉली बैग में रखे हुए हैं। और इस रो में गजानिया भी है, गजानिया जो मैंने मीसो वाले सीड्स से रेडी किए हैं। और यहाँ पे देखिए, येलो कलर में क्रिसेंथेमम, ये भी बहुत ही प्यारा वैरायटी है क्रिसेंथेमम का। और ये देखिए फ्रेंड्स, आगे जो फ्लावर आप देखने वाले हैं ये है डैंथस। डैंथस के 2 प्लांट मेरे पास है, एक वाइट कलर में और ये एक मैरून कलर में, जिसमें से वाइट कलर मुझसे ख़राब हो गया, उसको मैं सेव नहीं कर पाई। लेकिन ये देखिए, मैरून कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है और प्लांट भी बहुत हेल्दी ग्रो कर रहा है। और इस वीडियो में देखिए, और भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। आगे आप जो फ्लावर देखेंगे वो है सिलोसिया का प्लांट, इसकी भी फ्लावरिंग बहुत ही प्यारी आती है। ये भी मैंने सीड्स से ही रेडी किए हैं, इसके भी सीड्स मैंने मीसो से ही परचेस किए थे। मैंने अभी मीसो से जितने भी सीड्स लिए हैं उनके रिव्यू शेयर किए हुए हैं चैनल पे, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। 6 से 7 प्लांट मैंने अच्छे से रेडी कर लिए हैं उसमें से, जिसमें से ये एक है। बहुत ही प्यारा कलर आया है इसमें। और यहाँ पे देखिए, मेरे सारे क्रिसेंथेमम बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग करने के बाद अब धीरे धीरे स्पेंट होते जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी भी बहुत बढ़ गई है हमारे यहाँ, तो फ्लावर स्पेंट हो रहे हैं। स्पेंट फ्लावर को हटाते रहती हूँ मैं। आप भी अगर क्रिसेंथेमम अपने गार्डन में रखते हैं तो जो स्पेंट हो जाते हैं फ्लावर क्रिसेंथेमम के, उन्हें हटाते रहें, क्योंकि ऐसे फ्लावर भी प्लांट से एनर्जी लेते रहते हैं। हम उनको हटा देंगे तो नए बर्ड्स हैं वो अच्छे से विकसित होंगे। यहाँ पे देखिए, ये येलो वाला क्रिसेंथेमम मैंने लास्ट अभी और दिखाया, इसको भी देखिए। इन्होंने इतने अच्छे से वीडियो बनाया है कि मेरे फ्लावर की खूबसूरती और भी बढ़ गई है लग रहा है मुझे। क्या है, मैं इतने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, तो कभी कभी ऐसे लगता है कि रियल में मेरे फ्लावर्स तो बहुत सुंदर है पर मेरी रिकॉर्डिंग में उतने अच्छे नहीं आते हैं। पर आज इस रिकॉर्डिंग को देख के मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में एक छोटा सा ओवरव्यू बना के इसको शेयर करूँ। आगे आप देखेंगे
पिंक हिबिस्कस, ये हाइब्रिड वैरायटी का हिबिस्कस है, बहुत ही प्यारे फ्लावर आते हैं इसमें। और हमारा जो देसी हिबिस्कस होता है वो विंटर में रेस्ट पीरियड में होता है, लेकिन हाइब्रिड वैरायटी की जो हिबिस्कस होते हैं वो सारे सीजन ऐसे ही अपनी फ्लावरिंग देते हैं और बहुत सारे कलर वैरायटीज़ में आते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। मल्टी पेटल, सिंगल पेटल और कलर वेरिएटेड कलर्स में भी आते हैं जो कि बहुत ही प्यारे लगते हैं। और ये देखिए मजेंटा कलर में क्रिसेंथमम, इसे भी मैंने कुछ दिनों पहले ही अपने गार्डन में ऐड किया है, बहुत ही प्यारा सा कलर है ये। इसके बहुत सारे प्लांट मुझे नेक्स्ट ईयर बनाने हैं, उसके लिए प्लांट मैं इस साल सेव कर लूँगी इसके। इस वाले रो में आप देखेंगे कलेंचो के फ्लावर। कलेंचो के 3 प्लांट्स मैंने लास्ट समर सीजन में परचेस किए थे, उनकी मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स बना ली थी और सारे कटिंग्स मेरे सक्सेस रहे। इस तरह से मेरे गार्डन में कलेंचो के बहुत सारे पॉट रेडी हुए हैं और सभी में अब फ्लावरिंग शुरू हो गई है और ये लेट समर तक ऐसे ही फ्लावरिंग करेंगे। इनके फ्लावर काफ़ी दिनों तक ऐसे ही बने रहते हैं। और ये देखिए टिकोमा, और उसी के पीछे देखिए ये हिबिस्कस, फिर से हिबिस्कस का ये येलो वैरायटी है और सेंटर में देखिए इसका रेड कलर होने के कारण ये अलग ही खूबसूरती दे रहा है। एक और वैरायटी का हिबिस्कस है मेरे पास येलो में है, उसके सेंटर में वाइट कलर है, वो भी बहुत ही प्यारा लगता है। अगर कभी खिलता है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, बहुत ही प्यारा होता है वो। और ये देखिए ये मैरून कलर का है क्रिसेंथमम, इसका कलर थोड़ा सा येलोइश इसलिए दिख रहा है क्योंकि फ्लावर पुराने हो रहे हैं, इनका स्पेंट होने का टाइम आ गया है, इसलिए कलर चेंज हो गया है इसका। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यही शेयर करना था। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।